नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर फतेहपुर 84 उन्नाव से। बाजार गए थाना क्षेत्र के गांव रनिया मोह निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन जब उसे सीएससी लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। रनिया मोह गांव निवासी राम सिंह क्षेत्र के भिखारीपुर गांव की बाजार सब्जी आदि लेने गया था। वहां से जब लौटा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। घर में मौजूद पुत्री रमाकांति से पानी आदि मांगा, लेकिन राम सिंह की हालत बिगड़ती ही गई तो पुत्री ने डायल 108 को सूचना दी। सूचना पर डायल 108 एम्बुलेंस सीएससी लेकर फतेहपुर 84 पहुंची, जहां डॉक्टरों ने राम सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक के एक 15 वर्षीय विपिन पुत्र है और विवाहित एक पुत्री रमाकांति है। पत्नी कई वर्ष पहले दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। पुत्र अपने ननिहाल कल्याणपुर में रहता है। इसे जब पता लगा उसके पिता अब नहीं रहे तो आया और पिता को पकड़कर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पुत्री रमाकांति ने बताया कि आज दिन में उसके पति से विवाद को लेकर एक दूसरे को छोड़ने की बात हुई थी, साथ ही अपना हिसाब करने का दिन भी तय हो गया था। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। वही लमसम 4 बजे कितनी दूर है तुम्हारे घर से? लमसम यहीं से मतलब पे ये चौराहे पे कि जो चौराहा नहीं है 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर। हाँ इसे होगा। फिर क्या होता है? दो बोले हम जाएगा कभी क्या उनका पानी पिला दो पापा बात क्या होगा उनका बात कुछ नहीं उनका कोई सरपंच की गोली खिला देंगे हम क्या पापा कहाँ बात है कि पानी तुम पानी पिला दो पानी वापस आएगा। हाँ घर जाए सब्जी तो लेके आए। वापस कितने बजे आए? वहाँ 5 बजे आ गए। 5 बजे सब्जी लेके पानी पिला दो पानी तो दिन तुम लोग बात करेंगे तुम बचा दो तो बता दो घंटा भर मोहल्ला से मर जाए। तो हम गई हुआ था एक आदमी ने आदमी सरफाज की बोले दारू मिला के पिला दी। वो आदमी नाम नहीं बताया? हम बाबा नाम बता दो पर नाम मतलब उनके बोलने की कोशिश कर रहे बोल नहीं पा रहे थे। कोशिश तो कर रहे हैं पिता का राम सिंह। अच्छा फिर उसके बाद तुम लेके यहाँ आ गई? हाँ तो फोन उन्होंने किया तो क्या डॉक्टर को नहीं कितनी आई अच्छा उम्र तो नहीं पता जी का नाम क्या है? मेरे पापा के पिता जी का श्याम दादा भैया। तुम्हारा क्या नाम है? विपिन। ये तो कौन है तुम्हारे? मैं पापा है। क्या हुआ इनके साथ में, क्या जानकारी आपको हुई? हम नहीं थे, हम कल्याणपुर में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, तुमको कैसे जानकारी हो पाई? दीदी ने फोन लगाया। क्या बताया दीदी ने? पापा खत्म हुए। ये नहीं बताया कैसे खत्म हुए? पापा से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने से पापा से बात नहीं हो पा रही थी। किसी पर तुम्हारा शक है कि किसी ने कुछ किया होगा? नानी के पास रहते हो? नानी